नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी टू नर्सिंग पे। दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है और ये वीडियो उसी सीरीज़ में है। जैसे कि हमारे पास कई प्रकार के डाउट्स लेकर के मैसेजेस आए हैं कि मध्य प्रदेश में जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है उसके बारे में कई प्रकार के जो डाउट्स है मन में, शंका है रजिस्ट्रेशन को लेकर के, या ये समझिए कि स्टूडेंट उसको समझ नहीं पा रहे प्रोविजनल का मतलब ही नहीं। जबकि हम कई वीडियो में, पिछले कई वीडियो में जब से रजिस्ट्रेशन देने की बात कही गई थी हाईकोर्ट के द्वारा, तब से लेकर के हम प्रोविजनल के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहे हैं कि प्रोविजनल से कोई दिक्कत नहीं है। प्रोविजनल मतलब ये होता है कि जो हम आपको ओरिजिनल दे रहे हैं उसी का एक प्रारूप, जो कि जिसमें बदलाव हो सकता है, होगा या नहीं होगा ये कन्फर्म नहीं है, हो सकता है, उसके लिए एक प्रोविजनल पहले दिया जाता है, ठीक है। और वो प्रोविजनल में क्या है कि जो सर्टिफिकेट अभी आपको मिलेगा प्रोविजनल के रूप में, हो सकता है हाईकोर्ट या MP नर्सिंग काउंसिल हाईकोर्ट के निर्देश पे इसी प्रोविजनल सर्टिफिकेट को वैलिड कर दे, ठीक है। चाहे इसमें कुछ भी मेंशन हो, 10-80 मेंशन हो या केस का नोट मेंशन हो, अगर हाईकोर्ट कहे कि नहीं जो आपने दिया है प्रोविजनल उसी को वैलिड कर दिया जाए तो कर सकती है, या अगर काउंसिल चाहे तो इसको एक नए सर्टिफिकेट के रूप में आपको दे सकती है, ठीक है। जो भी आपको मिलेगा वो एक नए सर्टिफिकेट में। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, जो RM नंबर यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो जनरेट होगा, जो भी होगा, वो बदलेगा नहीं, वो नहीं बदलने वाला है। आपका सर्टिफिकेट का पेपर बदल जाएगा, प्रोविजनल उसमें से हट जाएगा, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन नंबर एक बार जनरेट होगा वो दोबारा जनरेट नहीं होगा, अलग नहीं होगा। ऐसा ही होता आया है पहले भी बिहार में, जब आप बाहर से जो लोग रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करते थे तो उसको पहले आपको प्रोविजनल दिया जाता था ताकि वो अपना काम कर सके, ठीक है। और प्रोविजनल लेने के बाद उसको कुछ दिनों में, अगले एक महीने में या दो महीने में, उसे ओरिजिनल प्रदान किया जाता था, ओरिजिनल दिया जाता था। सेम है, वैसे ही इसमें भी होगा, ठीक है। अब आप सोचो कि अभी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मान के चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5 मिल गया, ठीक है। अब आपने एडमिशन ले लिया, पोस्ट बीएससी में ले लिया, या फिर आप कहीं भी एडमिशन ले लिए, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट हो गया, एडमिशन ले लिया, या आपने कहीं फॉर्म डाला था, ठीक है, और फॉर्म में आपका सिलेक्शन हो गया, और सिलेक्शन का जब लास्ट डेट आया तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन मिल गया, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि MP नर्सिंग काउंसिल आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 है, क्या उसे बदल के दे सकता है क्या? चाहे आप किसी भी कोर्स में भी अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो ये नहीं बदल सकता। ये जो एक बार जनरेट हो गया आपका रजिस्टर्ड नंबर, ये नहीं बदल सकता है, बदलने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये तो बिल्कुल नियम के खिलाफ होगा, प्रोविजनल का एक मजाक के रूप में होगा, और ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कहीं यूनिवर्सिटी में, मान लेते हैं आप पोस्ट बीएससी में एडमिशन ले रहे हैं और कहीं आप इनरोल हो गए रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप बदल नहीं सकता, ये मान के चलो, ठीक है। तो इसी से संबंधित जो है हम आपको इस वीडियो में कुछ डिटेल में बताएंगे, जैसे कि आपका बिहार के छात्र क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि बिहार के ऑलमोस्ट छात्र इस डाउट में है कि जो आने वाली वैकेंसीज है NHM का हो या बिहार सरकार की जो गवर्नमेंट वैकेंसीज है उसमें, या फिर कहाँ कहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद सरकारी नौकरी में इसका क्या यूज़ होगा, इसको दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश से इसका बाहर जो है, मध्य प्रदेश के बाहर वैलिड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आज ये वीडियो इसी टॉपिक पे रहेगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक बार समझ लीजिएगा कि इस सर्टिफिकेट को, जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपको दिया जा रहा है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और एक कंडीशन के साथ कर सकते हैं, और वो कंडीशन तब तक में अगर फुलफिल हो जाती है तब तो ठीक है, नहीं तो उस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है, आपका जो सिलेक्शन होगा वो रद्द हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं एक बार, और आप सबसे वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और ताकि मेरा भी जो है मनोबल बना रहे और ऐसे ही हम आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें, मनोबल बना रहे और ऐसे ही हम आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिहार के छात्र क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि बिहार में जो है स्वास्थ्य विभाग के 45,000 पद पर बहाली होगा। अब देख लीजिए, जितना आप देख रहे हैं, अगर GNM इसमें एलिजिबल है, ठीक है, तो एक तो ये बात होती है कि बिहार में जो NHM की वैकेंसी जाती है, ये आपने रोस्टर देखा होगा अभी, इसमें देखिए स्टाफ नर्स 2500 है, CHO 6 मंथ का CHO सर्टिफिकेशन के लिए भी वैकेंसी आने वाला है, जब 4500 को कंप्लीट कराया जाएगा, हमने ग्रुप में बता दिया था, ठीक है। तो इस वैकेंसी में, बिहार सरकार की वैकेंसी में, अगर आपका सिलेक्शन होता है, आप ये तो जानिए कि बिहार सरकार जो है, आप कहीं से भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा तो आप एलिजिबल हैं कि आप फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। आपके पास मध्य प्रदेश का भी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन भी होगा तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म डालने के लिए, सिर्फ आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए कहीं से भी, ठीक है। अब बिहार सरकार में एक कंडीशन होता है कि सिलेक्शन के बाद, मान लेते हैं आपने स्टाफ नर्स का एग्जाम दिया या CHO का एग्जाम दिया, आपका DV हो गया यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपके पास 3 मंथ का समय, 90 डेज का समय जो है आपको दिया जाता है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन BNRC में करवा करके आप दीजिए, तब आपका जो सिलेक्शन होगा वो वैलिड होगा, ठीक है। अब जो है आपके पास एग्जाम से लेकर के DV से लेकर के अगले 3 मंथ का समय है, तब तक में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा अगर प्रोविजनल को लेकर के कुछ जजमेंट आ जाता है और आपको NOC मिल जाता है, ठीक है, NOC मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप दूसरे स्टेट से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो BNRC में, तो NOC बहुत ज़रूरी है, और यही NOC अभी मध्य प्रदेश नहीं दे सकता है, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट MP इसीलिए नहीं दे सकता है क्योंकि MP में अभी 10-80 केस एक्टिव है,
1080 केस अभी चल रहा है, इसीलिए वो NOC नहीं देगा और इसी कारण से आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल रहा है। अगर आपका सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइनिंग के 3 महीनों तक NOC मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र आपका हो जाता है, तब तो आप उस जॉब के लिए सेलेक्टेड होंगे। अगर आप मान लेते हैं एक सरकार का एक लिमिट होता है, समय सीमा होता है, अगर उस समय सीमा पे आप NOC नहीं दे पाइएगा या फिर ट्रांसफ़र नहीं दे पाइएगा तो आपका कैंडिडेचर जो है रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि बिहार सरकार का हम इसमें कई बहालियों में हमने देखा है, चाहे वो CHO का हो या स्टाफ नर्स का हो। अभी आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ में देखा होगा कि CHO 2 साल से काम कर रहा है बाहर के रजिस्ट्रेशन पे ही, बिहार सरकार को कुछ पता ही नहीं है, स्वास्थ्य विभाग को कुछ पता ही नहीं है। आप समझ सकते हैं, उन्होंने ट्रांसफ़र ही नहीं कराया, प्रोविजनल पे ज्वाइन ले लिया है और ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन जो है अभी तक नहीं दिया और काम ये कर रहे हैं। इस प्रकार का कंप्लेन आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में। तो हालांकि ये पहले के नियम थे, अब न्यू नियम में अगर वो सख्त होंगे तो आपको तो रजिस्ट्रेशन देना ही पड़ेगा विद इन 3 मंथ, या नहीं दे सकते हैं अगर इसकी संख्या ज़्यादा होगी तो ऐसे मामलों जो है विभाग स्तर पर सुलझाया जा सकता है अगर आप सेलेक्टेड हैं तब, लेकिन जो नियम है वो हमने आपको बताया है। तो बिहार के छात्र क्या कर सकते हैं, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 3 मंथ का समय आपको दिया जाएगा। 3 मंथ के समय में अगर मध्य प्रदेश से कुछ क्लियरेंस मिल जाता है हाईकोर्ट के द्वारा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका जॉब सेलेक्टेड है। ये आप मत सोचिएगा कि हमको फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा, हम फॉर्म नहीं भर सकते या और कुछ, बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो बिल्कुल वैलिड फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब कहाँ कहाँ इसका यूज़ होगा, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो आपको मिला है इसका कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूज़ देखिए, सबसे पहला तो आप अपने आगे की पढ़ाई, ठीक है, हायर एजुकेशन मान लेते हैं, पोस्ट BSc सबसे पहला आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है पोस्ट BSc करने में। और दूसरा कंडीशन, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में लगते हैं तो जो कंडीशन हमने अभी आपको बताया है वो हर एक स्टेट के लिए है, ठीक है, हालांकि उत्तर प्रदेश में या फिर और कहीं पहले ही उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रेशन को मांगा जाता है, बिहार की तरह नहीं है कि ओपन है, जब सिलेक्शन होगा तो आप बिहार का रजिस्ट्रेशन दीजिए, उत्तर प्रदेश में पहले ही उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो इस कंडीशन में आप नहीं भर सकते, ठीक है, स्पष्ट है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, रेलवे हो गया आपका, SIC हो गया, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी वैकेंसी जिसमें GNM एलिजिबल है, तो उस वैकेंसी को आप उस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन से भर सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही रहेगा, जब आपका सिलेक्शन होगा, जब आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा तो ज्वाइनिंग के समय आपको क्लियर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। इस प्रकार से मतलब ऐसा नियम है, अगर वो प्रोविजनल पे ही आपको ज्वाइन करवा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं ज्वाइन। जब इसकी क्लियरेंस मिल जाएगी हाईकोर्ट की तरफ से, जब आपको ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा तो जो है कि आप उसको दे सकते हैं ओरिजिनल वाला, ठीक है। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आप पोस्ट BSc आप कर सकते हैं, पोस्ट BSc में कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है आप माइग्रेशन भी काउंसिल से ले सकते हैं, अगर आप MP में नहीं पढ़ना चाहते हैं, MP में अगर जो आप फिर से एडमिशन लेते हैं पोस्ट BSc का, तब तो आपको माइग्रेशन की आवश्यकता नहीं है। अब अगर आप MP से उत्तर प्रदेश जाते हैं या बिहार आते हैं तो आपको माइग्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी, तो माइग्रेशन लेकर के आप बिहार में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, सरकारी नौकरी में इसको क्या वैल्यू दिया जाएगा, तो सरकारी नौकरी में बिल्कुल जैसे फ्रेश रजिस्ट्रेशन को वैल्यू दिया जाता है वैसे ही प्रोविजनल को भी वैल्यू दिया जाएगा, बशर्ते जो कंडीशन एडवर्टाइजमेंट में आपको लिखा रहेगा उसको फिलफिल करना पड़ेगा आपको, स्पष्ट है। बिहार सरकार अगर आपको 3 महीना का समय देती है तो 3 महीना का समय में आपको रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करा करके आपको देना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कब होगा, जब आपको MP NOC देगा, और NOC कब देगा, जब MP में जो केस चल रहे हैं या फिर जो आपका 19-22 बैच का है अगर उसको क्लियरेंस मिल जाता है कि नहीं आप NOC दे सकते हैं, तभी आप NOC लीजिएगा और वहां से अपना ट्रांसफ़र करवा सकिएगा, ठीक है। और तीसरी बात है कि मध्य प्रदेश से बाहर वैलिड होगा या नहीं, ठीक है, तो स्पष्ट रूप से ये सिंपल सी बात है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश दे रहा है तो मध्य प्रदेश से बाहर भी वैलिड होगा। मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए यह अच्छी बात है कि उनको अगर मध्य प्रदेश में वो जॉब करते हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो वो बिल्कुल अच्छे से वैलिड होगा, उसको ये टेंशन नहीं लेना है कि हमको ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो घटना है, ये जो पूरा प्रकरण है, ये मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश में आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन से ही ज्वाइन भी मिल जाएगा, आपकी जॉब भी हो जाएगी बिल्कुल सिक्योर तरीके से, लेकिन बिहार में कंडीशन क्या है कि आपको बिहार का रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, बस यही कंडीशन है, जो कि NOC के बिना नहीं हो पाएगा, और NOC तभी मिलेगा जब हाईकोर्ट ऑर्डर करेगा, सिंपल सी बात है। तो फिलहाल आप लोग यही करिएगा कि मध्य प्रदेश का रजिस्ट्रेशन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको ले लेना है, ठीक है, मिल जाएगा। उसके बाद फिर एकजुट होकर के हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे, जबलपुर में एक याचिका लगाया जाएगा इसके संबंध में कि सर हमें NOC दे दिया जाए, क्योंकि हम इस प्रकरण में तो थे ही नहीं, हम लोग 19-22 के हैं, ठीक है, प्रयास किया जाएगा। अगर हाईकोर्ट अलाउ कर देता है कि नहीं भाई इसको NOC दिया जाए तो ठीक है, नहीं तो ऑलरेडी तो केस का इंतजार हम लोग कर ही रहे हैं। तो मेरा ये प्लान है, इसीलिए आपसे कहते हैं कि आप लोग एकजुट होकर के रहें, चैनल पे बने रहें, क्योंकि हमारे द्वारा जो प्रयास रिजल्ट से लेकर के मार्कशीट से लेकर के रजिस्ट्रेशन तक आप लोगों ने देखा होगा, जो हमसे जुड़े हुए हैं लोग वो जानते हैं कि हमने इनके लिए क्या क्या किया है और आगे भी इसके लिए करेंगे, जहाँ जहाँ दिक्कतें होंगी उसके लिए हम तैयार रहेंगे, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट बना के रखें, एकजुट होकर के रखें, ठीक है। तो हमने ऑलमोस्ट जो हमने 10 प्रश्न हमारे पास जो मोस्टली आए थे, हमने उनको 2 वीडियो में लगभग कवर कर दिया,
ठीक है। और एक है कि कॉलेज वाले ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, ये तो हमेशा हम कई वीडियो में बता चुके हैं आपको, अगर मांग रहा है तो भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, या कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कॉलेज की यहाँ गुंडागर्दी है, मनमानी है, तो इसके खिलाफ अगर आप कुछ करिएगा, कुछ बोलिएगा, तो वो नहीं देगा आपको सर्टिफिकेट, बोलेगा हम 10 दिन के बाद देंगे, 1 महीना के बाद देंगे, तो क्या कर लीजिएगा। अगर आप एक्शन लेते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो सेम वही हाल होगा, ठीक है। इसीलिए जितना कम से कम में हो सके, पोलाइटली जितना कम करवा सके उतना कम करवा के अपना काम करवा लीजिए, ठीक है, यही एक उपाय है। उसके अलावा तो हमारे पास वैसा उपाय नहीं है, अगर आप अपने स्तर से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तत्काल की सुविधा बिल्कुल नहीं है, तत्काल के लिए ना सोचें, आपको डिजिटल रजिस्ट्रेशन ही जल्दी मिल जाएगा, 10 से 15 दिन में जो है, 20 दिन में आपको डिजिटल मिल जाएगा, तो वो वैलिड होगा, सेम हार्ड कॉपी की तरह काम करेगा। और केस खत्म होने की बात अगर हम करें, तो केस खत्म होने के लिए CBI को अच्छे से काम करना बहुत जरूरी है। CBI जितना जल्दी अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा, उतना जल्दी जो है यह केस खत्म होगा, ठीक है। इस बार ऑलमोस्ट सारे कॉलेज का जांच हो रहा है, 56 कॉलेज को छोड़ के, हालांकि 56 कॉलेज भी अपना जांच कराने के लिए तैयार हैं, बसरते उन्हें हाईकोर्ट से परमिशन लेनी है, और इनका भी एक ऑर्डर निकलेगा कि 56 कॉलेज का भी जांच होना चाहिए। 56 कॉलेज का जांच हो जाएगा तो ऑलमोस्ट ऑल कॉलेज, जितना भी MP में कॉलेज है, सब जांच क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हाईकोर्ट को निर्णय लेने में कोई समस्या नहीं है। तो इसके लिए जो समय लगे, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, वो समय लेगा, उसके बाद केस ये जो है खत्म हो जाएगा। जैसे ही केस खत्म होता है आपको NOC मिल जाएगा, और जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, थर्ड ईयर के बच्चे हैं, उसके एग्जाम जो है ऑन टाइम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि हम इस प्रकार से वीडियो अच्छे से मेंशन करके आप लोगों के लिए लाते रहें। बिहार सरकार की वैकेंसी आने वाली है, आप लोग अपनी तैयारी करें, आपको पता है तैयारी के लिए बुक जो है हमारे द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, अगर आपको बुक की आवश्यकता है तो हमें जरूर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी किसी डाउट के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट हम पढ़ते हैं आपका, और आपका कमेंट पढ़ के हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।